हाय फ्रेंड्स वेलकम टू हेल्दी कुकिंग हैप्पी लीविंग आप सब कैसे हो मैं बहुत खुश हूँ बहुत अच्छी हूँ आज सरस्वती पूजा की दिन है सरस्वती पूजा का भी छोटा सा ब्लॉग बहुत जल्दी जल्दी आएगा और आज मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ मैंने मेरे एनिवर्सरी के बाद मेरे फ्रेंड्स को बुलाए थे तो थोड़ा थोड़ा घर का क्या प्रिपरेशन किया फ्रेंड्स को बुलाने के लिए और चिकन चाप बनाई थी चिकन का रेसिपी मैंने शूट किया अभी नहीं जानती हूँ कैसा शूट हुआ जल्दी जल्दी में किया और ये मेरा नया गहना गहना कुछ नहीं ये कोई गिफ्ट नहीं काम का चीज़ है मेरे ना बहुत टायर्ड हो रहे थे कुछ दिनों से सर दर्द हो रहे थे तो हस्बैंड ने बोला तुम्हारा पावर चेंज होगा शायद लास्ट ट्वेंटी एटीन किए थे हर साल करती हूँ क्यों नहीं जानती नहीं क्यों नहीं किया ट्वेंटी ट्वेंटी तो गई नहीं वो तो इंटेंशनली गई नहीं डॉक्टर के पास तो वो ऐसे फ्रेम लिया थोड़ा इच्छा हुआ कि थोड़ा मोटा सा फ्रेम ले थोड़ा ऐसे फ्रेम ले कैट आई तो ऐसे फ्रेम ले लिया <laughs> तो मेरे फ्रेंड्स आए थे मैंने क्या क्या बनाई थी मालूम है मटन बिरयानी अंडा आलू देके ज़्यादा करके मटन देके मटन बिरयानी चिकन चाप रायता चिकन रश्मी कबाब चिकन हरियाली कबाब और फिरनी सारे रेसिपी है मेरे चैनल पे रायता और फिरनी का नहीं है और चिकन चप का रेसिपी मैंने आप लोगों के लिए शूट किया पर कैसे शूट किया मैं नहीं जानती हूँ मतलब कितना अच्छा शूट कर पाई अच्छा होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नहीं तो मेरे हस्बैंड मेरे हाथ का चिकन चप बहुत पसंद करते हैं कभी बाद में भी, भी मैं शेयर कर सकती हूँ आप लोगों के लिए बाद में बनाऊंगी तो शेयर करूंगी आज हुआ तो आज करेंगे तो ये कोलकाता का एक कपल था मेरे बंगाली फ्रेंड्स हमारा दादा दीदी जैसे ही है उनको पहली बार घर खरीदने के बाद पहली बार बुलाए मेरे घर पे ना ज़्यादा मेरे नॉन बंगाली फ्रेंड्स और हस्बैंड के ऑफिस को लेकर ज़्यादा आए अब तक बांग्लादेशी बंगाली फ्रेंड भी आए एक हिंदू फैमिली आए थे बांग्लादेशी पर कोलकाता का व इंडिया का जो बंगाली फ्रेंड्स है घर ख़रीदने के बाद बुलाना नहीं हुआ लास्ट ईयर तो किसी को भी नहीं बुलाए थे तो दुर्गा पूजा पे उनसे मिले थे इस बीच उन लोगों ने हमें बहुत बार बुलाया है तो बहुत कॉन्सिड्रेट है कुछ माइंड नहीं किया मेरी मन मन ही मन में बहुत दुख हो रहा था कुछ दिन से कि उन लोगों को बुला नहीं बुला पाई नहीं बुला पाई सोचे थे 2020 पे बुलाएंगे पर 2020 पे तो किसी को नहीं बुलाया तो करीब करीब तीन साल बाद उनको बुलाएं हम लोगों ने घर खरीदने के बाद हम लोग पहले आके शादी के बाद वन बेडरूम अपार्टमेंट पे रहते थे फिर तुरंत तुरंत हस्बैंड को एक ऑफिस रूम चाहिए था तो टू बेडरूम पे शिफ्ट हो गए तो वन बेडरूम से वो लोग ग्यारह साल से ऐसे हम लोगों को पहचानते हैं आते हैं वो बुलाते हैं हम लोग बुलाएं या ना बुलाए दे डोंट केयर वो बुलाते रहते हैं उनका दादा दीदी का बच्चे अभी यूनिवर्सिटी पे चले गए हैं तो और बहुत गाइड भी करते हैं बहुत अच्छा इंसान है तो इसीलिए हस्बैंड बोल रहे थे हाय मंगलवार हो गया एनिवर्सरी का खाना ही नहीं हुआ तो नॉनवेज के बिना तो हमारा सेलिब्रेशन ही नहीं होते हैं तो मैंने सोचा सेवेंथ फेबररी था उस दिन कि थोड़ा नॉन वेज बना लेते हैं और उनको भी बुला लेते हैं तो इसीलिए उनको बुलाए थे इसीलिए ये सब बनाए भी थे और उनको बुलाना भी नहीं हुआ था इस इतने दिनों से तो अभी ना हम लोगों ने डिसाइड किया दो से चार ऐसे लोग बुलाएंगे चार जन के ज़्यादा लोग नहीं बुलाएंगे मेरे घर का स्क्वायर फीट और स्पेस के हिसाब से हिसाब से थोड़ा खाली खाली बैठ के फिर गपशप कर सकते हैं खा सकते हैं इसीलिए अभी तो थोड़ा थोड़ा बुलाएंगे लोगों को <laughs> तो मेरे लिए बहुत अच्छे गिफ्ट लेके आए थे हम ना यहाँ पे कहीं भी कभी भी किसी के घर पे जाते हैं ना खाली हाथ नहीं जाते हैं सभी सभी के लिए गिफ्ट लेके जाते हैं आप फुल भी लेके जा सकते हो ऐसे नहीं पर्टिकुलर कोई गिफ्ट तो हमारे लिए बहुत पुराना ओल्ड वाइन के बॉटल लेके आए थे बहुत अच्छा और एक गिफ्ट लेके आए और सबसे ज़्यादा मेरा मन को जो छू गया कार्ड कार्ड आजकल कहाँ देते हैं हम भी किसी को कार्ड नहीं देते कोई हमें भी नहीं देते हैं तो कार्ड बहुत सुंदर सा एक कार्ड लेके आए थे सभी कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी मैं तो चलिए घर का प्रिपरेशन थोड़ा थोड़ा सब तो नहीं मैं दिखा पाऊंगी ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा क्या कैसे कैसे प्रिपेयर किया और रेसिपी और गिफ्ट क्या मिला ये सब शेयर करूँगी वैलेंटाइंस डे का कोई गिफ्ट नहीं आएगा क्योंकि फोर्टीन को आई वॉज़ वेरी सिक तो सारा दिन हस्बैंड घर पे ही थे संडे था ना इसीलिए खाना मुझे बहुत सारा कुछ बना बना के दिया और मैंने बोला आ तुमको बहुत कुछ करना पड़ रहा है बोलते हैं कोई बात नहीं मेरा तो कोई तकलीफ़ ही नहीं हुआ लग नहीं लग रहा है कि आई एम वर्किंग और क्योंकि ऑफिस नहीं गया ऑफिस का काम भी घर पे नहीं किया बाहर भी नहीं गया मैं पूरा बेड पे ही थी मैं बहुत सीख थी कमर पे लग गया था और भी दूसरा कारण है इसीलिए सीख थी तो इस बार तो आज तो सरस्वती पूजा है आज हस्बैंड ने पूजा किया मुझे पहले थे पहले से ही डाउट था कि मैं नहीं कर पाऊंगी पूजा तो पहले से ही मैं माता को सिंदूर लगा के माला पहना के सब कुछ अरेंज करके रख दिए थे तो आज अब हस्बैंड को दूर से मैंने बोल दिया हस्बैंड ने ही पूजा किया आज का वो भी मैं आपको तो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ तो चलिए अभी जो वैलेंटाइन डे से पहले मुझे जो खुशी मिला ना मुझे ना कभी मतलब हम लोग अकेले अकेले रहेंगे अकेले खाएंगे अकेले घूमेंगे मेरे हस्बैंड जो आर्न कर रहे हैं मतलब मैं अकेले तो एन्जॉय करूँगी मुझे ऐसा अच्छा ही नहीं लगता है फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना फैमिली के साथ यहाँ पे तो फैमिली नहीं है तो कोलकाता पे फ्रेंड्स है फैमिली है कोलकाता पे भी जाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ सबसे एक बार भी मैं मिल पाऊँ सबको देख पाऊँ पर क्या किया जा सकता है अभी तो नहीं जा रही हूँ कोलकाता तो यहाँ की फ्रेंड्स से अभी मिलना शुरू कर दूँगी मैं चाहूँ तो फ्रेंड्स बना सकती हूँ और मैं चाहूँ तो किसी के साथ फ्रेंडशिप मेरा टिक जाता है टीन एज पर ना ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ ब्रेकअप होते हैं ब्रेकअप तो सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में ही नहीं होते हैं फ्रेंड्स के साथ भी ब्रेकअप है। होते हैं टीन एज पर ज़्यादा होते हैं पर मैच्योर एज पर नहीं होते हैं तो इसलिए फ्रेंड्स आए वो मुझे सबसे सबसे ज़्यादा खुशी मिला वैलेंटाइन डे पे मैं सीख रही तो मेरा कोई दुख ही नहीं हुआ क्योंकि उससे पहले का वीकेंड पे इतना इन्जॉय किया इतना गप शप किया दिल खोल के बात किया हाहा हा ही ही किया ये कोलकाता का बंगाली है ना इसीलिए बहुत बहुत खुशी मिला तो चलिए और बात नहीं करते हैं आप लोगों के साथ सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके शेयर करती हूँ गेस्ट आए तो बाथरूम बहुत क्लीन होना चाहिए सिंपल हो ज़्यादा सजावट ना हो फिर क्लीन और अरेंज बहुत अच्छा तरीके से होना चाहिए तो इस बाथरूम का सारे एक्सेसरीज़ हस्बैंड ने ख़रीदा है हस्बैंड ने लगाया और हम दोनों मिल क्लीन किया ये बाथरूम हमारे घर पे ज़्यादा यूज़ नहीं होता है अभी से मैंने यूज़ करना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया बाथरूम यूज़ ना करो तभी भी गंदा हो जाते हैं मैं ए, किसी के घर पे गई थी तो उनका बाथरूम क्लीन नहीं था तो मुझे जो घिन आया मुझे खाने पीने का इच्छा ही चला गया था उनके घर पे जाके यहाँ पे यूएसए पे ही हुआ था ऐसे तो वी मेक श्योर कि बाथरूम स्पेशली गेस्ट बाथरूम बहुत क्लीन होना चाहिए यह हाइजीन का भी एक क्वेश्चन है आप कितना हाइजीनिक हो और घर को अभी हस्बैंड कर रहे हैं राग डॉक्टर से स्टीम क्लीन कारपेट को कि कार्पेट पे कोई बांस ना आए कोई स्मेल ना आए स्टीम क्लीनर हम भाड़े पे लेके आए थे पर ये प्रेशर वॉश जो है ये बाहर का है एंट्रेंस भी क्लीन होना चाहिए बाथरूम की तरह नहीं तो घर पे एंट्री लेने से घर गंदा हो तो कैसे दिखता है ख़राब दिखता है ना तो सामने और पीछे का जो जगह है वो भी प्रेशर वॉश कर लिया और ये हस्बैंड ने मिमोसा बनाए थे और फ्रेश ऑरेंज जूस भी बनाए थे इसके लिए ग्लास लेके आए हैं ये मिमोसा ग्लास और मैंने सारे बर्तन जो ग्लास है डिनर प्लेट्स है बाहर निकल के रख दिए थे अभी देख लीजिए चिकन चाप मैंने कैसे बनाई थी मैंने डेढ़ के जी से ज़्यादा चिकन पीसेस से बनाई थी सारे कुछ इधर पे लिखा हुआ है मैंने व्लॉग छोटा रखने के लिए बहुत जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को दिखा दिया पर बहुत अच्छा करके दिखाया चिकन चाप आप ऐसे बनाओ ऐसे जो क्वांटिटी है इसको यूज़ करके बनाओ बहुत अच्छा होगा बिलीव मी और इतना बड़ा बड़ा पीस बनाओ तो पीस को बहुत अच्छा करके बोन्स पे काट करके गर्म पानी से नमक दे के भीगो के रख देना तो सारा खून निकल जाएगा पंद्रह से बीस मिनट पहले भिगो के रख देना धोने के बाद नहीं तो छोटा छोटा जो चिकन कारी का पीस है ना वो उससे भी आप बना सकते हो ये डेढ़ के जी से थोड़ा ज़्यादा का क्वांटिटी है बहुत अच्छा बना था बाद में मैंने थोड़ा रेड फूड कलर भी ऐड किए थे जब कुकिंग करीब करीब ख़त्म होने को आए मैंने रेड फूड कलर ऐड किया बहुत अच्छा बना था इसके लिए तो एक लाइक जरूर बनता है आप लोग इसको जरूर ट्राई करना आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस रेसिपी और मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों का कैसा हुआ देखिए कितना डीप काट पूरा बोन के करीब करीब डीप काट मैंने लगा दिया अभी मैरिनेट करके एट आवर्स फ्रिज पे रख दूंगी इतना बड़ा बड़ा पीस होते हैं ना अच्छा करके क्लीन ना हो तो कुकिंग के वक्त खून निकल के आते हैं विच इज़ वेरी अनहाइजीनिक इसीलिए मैंने गर्म पानी पे डुबो के रख दिए थे क्लीन करने के बाद भी अभी इसको कुक कर रही हूँ लो फ्लेम पे नहीं तो चिकन हार्ड हो जाएगा कुकिंग करीब करीब खत्म हो जाए तब रेड फूड कलर ऐड कर दिए थे मैंने येलो 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 वाइट बिरयानी के साथ रेड चिकन करी ग्रीन और वाइट रायता वाइट फिर कितना अच्छा लगता है ना तो ये है अभी फाइनल लुक देखिए कितना अच्छा लग रहा है पूरा दुकान जैसा और ये है नेक्स्ट डे थोड़ा ज्यादा करके अंडा दिए थे मेरे हसबेंड और दादा ने अंडा नहीं लिया बिरयानी पे मैंने और दीदी ने लिए थे तो मैं अभी खा रही हूँ लांच यामी लांच बिरयानी चा फिर रायता यामी और अभी तक मेरा नया चश्मा नहीं आए थे क्योंकि एट फेब्ररी है और दादा दीदी ने मुझे ये गिफ्ट किए थे पीचर और प्लेटर की सेट ये कोई शो पीस नहीं पर मुझे इतना अच्छा लगा ना ये जग और सर्विंग डिश तो मैंने शो पीस की तरह थोड़ा रखा और ये हस्बैंड ने सरप्राइज़ गिफ्ट ऑर्डर किए थे वैलेंटाइन डे के लिए जो अभी तक नहीं पहुँचे पर कोई नहीं मैं तो जानती भी नहीं और मैंने बोला था वैलेंटाइन डे का गिफ्ट नहीं आएगा वो नहीं वैलेंटाइन डे का व्लॉग नहीं आएगा एक्चुअली ये व्लॉग आपको कैसा लगा अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना कमेंट कर देना एक लाइक कर देना और रेसिपी अच्छा लगे तो शेयर कर देना थैंक्स फॉर वॉचिंग हैव अ ग्रेट वीक बाय